नमस्कार, आज हम बात करते हैं जीएसटी पोर्टल के रिगार्ड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दो इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहला, जब हम लॉगिन करते हैं तो फेस ऑफ द पोर्टल हमारे सामने एक ही मैट्रिक्स बन के आ रही है। क्या मैट्रिक्स है? सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग फ्रिक्वेंसी हमें बता रही है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्वार्टरली है। क्या आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। सेकंड, रिटर्न जो कैलेंडर है, लास्ट 5 पीरियड का रिटर्न का कैलेंडर का हमें स्टेटस बता रहे हैं कि GSTR 1 या IFF आपके लिए एप्लीकेबल था या नहीं था। नॉट एप्लीकेबल, दिसंबर के लिए मैं फाइल कर चुका, जनवरी के लिए मैं फाइल कर चुका। कब फाइल किया वो भी डेट, अगर मैं कर्सर को ले जाता हूं तो मुझे वो डेट भी बता रही है। फैब का फाइल किया, कब फाइल किया, 12th मार्च को। मार्च का कब फाइल किया, 15th अप्रैल को। इट मींस मैं यहां पे लेट हूं। अब सिमिलरली 3B का स्टेटस बता रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि 3B आपने कब फाइल किया, जनवरी एंड फरवरी। ये नॉट एप्लीकेबल है, रीजन कि ये SSC क्वार्टरली है और मार्च का अभी तक फाइल नहीं हुआ। दिस इज द वन ऑफ द वेरी गुड चेंजेस जहां पे मैं लॉगिन करते बाय फेस मुझे अपनी कंप्लायंस के बारे में मालूम चल जाएगा। दूसरा, रिटर्न डैशबोर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो अर्लियर क्या आता था, फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद में पीरियड। हमें प्रॉब्लम क्या होती थी, सपोज जैन पूरा 12 महीना अगर हमें कोई सेलेक्ट करना है तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता था। नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इन क्वार्टरली। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिगार्ड में मुझे पहले क्वार्टर में देखना है तो सिंपली Q1 नाउ ओनली 3 months वुड अपीयर। सो थोड़ा सा ईज है एंड बेटर है कंपेरेटिवली। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस which has been made on today only. इसी प्रकार अगर कोई और चेंज होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।